हम लोग देख सकते हैं कि रेड फोर्ट पर पहुंचा हुआ हूं और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। यहां डोंट नो कौन सा ओकेज़न चल रहा है जो यहां पे भीड़ बहुत सी है। ये मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है रेड फोर्ट में, तो मैं कह नहीं सकता कि एग्जैक्ट कोई मेला वगैरह लगा हुआ है या कुछ और कोई फंक्शन है। ये है सरदार पटेल की स्टैचू, ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। और पीछे कुछ क्लासिकल डांस का वीडियो वगैरह चल रहा है। और ये आपको दिखाते हैं कि अलग अलग स्टेट्स की स्टॉल वगैरह लगी हुई हैं, जो बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे। फर्स्ट स्टॉल आप सामने देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश का लगा हुआ है, और उधर ही साइड में अरुणाचल प्रदेश का भी लगा हुआ है। फिर इधर आता है आसाम, आसाम में हमारे महात्मा गांधी का स्टैचू सामने लगा हुआ है। और आंध्र प्रदेश में वहाँ देखिए बुद्ध जी की मूर्ति लगी हुई है, ये है हमारे महात्मा गांधी का आसाम। और ये देखिए बिहार, बिहार के बाद चलते हैं गुजरात, गुजरात में सरदार पटेल एंड मोदी इनका लगा हुआ है स्टॉल। फिर आएगा झारखंड, झारखंड भी स्टॉल पता नहीं क्यों लगाई है, जब अंदर कुछ ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मैं जान नहीं पा रहा हूँ क्यों लगाई है। शायद वहाँ का कल्चरल या कुछ भी इम्पोर्टेंस दिखाने की वो की गई है कोशिश, कि जैसे ये अभी कर्नाटका में देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है कर्नाटका की। और मध्य प्रदेश मेन चीज़ है, यहाँ पे यूनिटी दिखाई गई है ना कि पूरा स्टेट इंडिया का सारे स्टेट, ये है मध्य प्रदेश, सारे स्टेट कंबाइन करके यहाँ रेड फोर्ट में लाए गए हैं ताकि यूनिटी इन इंटीग्रिटी वगैरह सब कुछ दिखाया जा सके। ये मेघालय देखिए, मेघालय जैसा कि जानते हैं कि वहाँ बारिश वगैरह बहुत होती है, तो ये पूरा ग्रीन है, पूरा बढ़िया सा दिखाया गया है। मिज़ोरम, अब अगला है मिज़ोरम, ये देखिए कोई कल्चरल डांस चल रहा हुआ है यहाँ पे, डोंट नो, काफ़ी अच्छा डांस है। और ये साइड में देखिए उड़ीसा का स्टॉल लगा हुआ है, और ये देखिए कुछ डांस। अब इधर देखते हैं, ये राजस्थान का स्टॉल लगा हुआ है, राजस्थान देन सिक्किम एंड देन तमिलनाडु। और ये रहा अपना उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के साइड में ये कौन खड़े हैं पता नहीं, कौन है ये, शंकर जी हैं शायद, पता नहीं। उत्तर प्रदेश कुंभ का यहाँ पे लगा हुआ है, चलो कुंभ चले, उत्तर प्रदेश का इसका प्रतीक है ना कुंभ, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग पहुँच रहे हैं। ये है उत्तराखंड, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, उत्तराखंड को बोलते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और ये अपना फोक डांस है किसी भी स्टेट का, बहुत सारे फॉरेनर्स वगैरह आनंद लेते हुए। चलिए और कुछ देखते हैं क्या खास है रेड फोर्ट में, ये क्या है, महात्मा गांधी लोगों की, क्या है ये, सत्य के प्रयोग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये कुछ है महात्मा गांधी, ये उत्तराखंड। शुरू से दिखाते हैं पूरा, यहाँ देखा जाए तो सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है, अगर जो आपको कभी टाइम मिले तो आइएगा ज़रूर, मुझे तो अच्छा लग रहा है, फ़िलहाल एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि अकेले अकेले एंजॉय करने से बढ़िया है क्यों ना एक ब्लॉग बना लिया जाए अच्छा सा। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है तो कोई गलती हो तो माफ़ करना, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहे हैं इससे। ये क्या है, 39th इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओह चाचा नेहरू, अब इधर से देखते हैं क्या क्या है, काफ़ी अच्छा बना हुआ है बिल्कुल, अहिंसा सत्याग्रह स्वराज, ये अपने महात्मा गांधी, ये किस स्टेट का डांस है आप लोग आइडिया लगाइए।
और घूमते इधर और देखते क्या खास है। इधर भी कुछ बनी हुई हैं आकृतियाँ और ज़्यादातर तो महात्मा गांधी दिख रहे हैं, जो समझ में आ रहा महात्मा गांधी है। और देखते हैं क्या है, वो देखिए महात्मा गांधी चरखा और अपनी रेल लगाए हुए हैं पीछे, बापू। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ महात्मा गांधी यहाँ पे, और ये ऊपर भी महात्मा गांधी, यहाँ भी महात्मा गांधी, ऊपर सरदार पटेल के साथ महात्मा गांधी, वो वहाँ पे भी महात्मा गांधी ऊपर पेड़ के नीचे। और ये देखो बापू लेटे हुए हैं, ये भी महात्मा गांधी, ये भी महात्मा गांधी, ओह ये भी महात्मा गांधी। खाली महात्मा गांधी ही हैं यार भैया, सब लोग थे क्रांति में, खाली यही थोड़ी थे कि जो इनकी लगाई गई। मानते हैं इन्होंने भी बहुत किया है, लेकिन बाकी लोग उनका क्या होगा। कितनी बढ़िया फूलों से सजाया हुआ रथ है, धांसू एकदम, बहुत धांसू। और ये महात्मा गांधी सत्याग्रह के स्वच्छाग्रह। सॉरी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम ब्लॉग है, मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ जो मैं मतलब बता रहा हूँ कुछ भी, बस मैं केवल आया था यहाँ पे, विजिट कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ क्यों ना दिखाया जाए लोगों को, कुछ ना कुछ तो फ़ायदा देखना चाहिए। ये कोई डांस हो रहा है, फोक डांस कहीं भी, कहीं का भी, डोंट नो, देखते हैं क्या। और ये है हे राम लिखा हुआ है, मतलब महात्मा गांधी। यार इतना महात्मा गांधी के लिए, ठीक है जो कुछ भी है, लेकिन मतलब मैं कुछ बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ एक दो लोगों को और लगाना चाहिए था यहाँ पे। डीसी हैंडीक्राफ्ट वगैरह क्या चीज़ है ये, चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या है। और आप देखिए यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, सब काफ़ी अच्छा है, इनक्रेडिबल इंडिया का उधर बोर्ड लगा हुआ है, दिखाएंगे अभी क्या है। डीसी है लिखा, अच्छा जो ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह होते हैं हैंडमेड, उनकी दुकान है। जो हैंडमेड चीज़ें हैं जो बनती हैं वो अलग अलग स्टेट से, वो यहाँ पे उनका प्रदर्शनी लगाई गई है दिखाने के लिए। ये भी क्या है, इनको स्टेट मेंशन करना चाहिए था मेरे हिसाब से कि किस स्टेट का पर्टिकुलर ये है। इंडिया की जो बहुत ही बढ़िया बेस्ट चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल इंसान को नहीं मिलती हैं देखने को, वो चीज़ें हैं। ट्राइब्स इंडिया ब्लेजर्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये तो इतना खास नहीं लगा कुछ भी, लेकिन हाँ बस इतना है कि इंडिया का जो हैंडक्राफ्ट वगैरह है उसको बचा के रखा हुआ है इन लोगों ने अभी तक, जो कि यहाँ जो फॉरेनर्स आते हैं उनको दिखाया जाता है। बहुत बढ़िया, मुझे तो लग रहा है कि आपको विज़िट करना चाहिए, अगर जो आप मतलब एक ही जगह पर सोचते हैं कि इंडिया की एक ही जगह पर बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाए इंडिया की, तो आई सजेस्ट यू टू प्लीज़ कम एंड यू मस्ट विज़िट हेयर। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग हेयर, एंड अगर जो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोकिएगा एक बार। बाकी सब ठीक है, बाय।